नमस्कार, जय शिवराय। मित्रांनो, देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव दिनानिमित्त देशभरात जय्यत तयारी सुरू आहे। मात्र 75 वर्षापूर्वी 14 ऑगस्ट या दिवशी अखंड भारताचे 2 तुकडे झाले होते। ही वेदना लक्षात घेऊन भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 1 दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे। आता दरवर्षी 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिनाच्या 1 दिवस आधी म्हणजे 14 ऑगस्टच्या दिवशी फाळणी दिन म्हणून स्मरणात ठेवला जाईल। देशाची फाळणी कशी भयावह ठरली आणि त्याचा परिणाम आजही दिसून येतो हे लक्षात ठेवण्यासाठी 14 ऑगस्ट रोजी हा विशेष दिवस साजरा केला जाणार आहे। तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मध्यरात्री घोषणा केली आणि देशात एकच जल्लोष झाला। देश स्वतंत्र झाला, मात्र पाठीवर असंख्य जखमा घेऊन अखंड भारताचे 2 तुकडे झाले आणि भारत पाकिस्तान अशी 2 राष्ट्रे निर्माण झाली। फाळणीच्या वेदना आजही अनेकांच्या मनात घर करून आहेत। याच वेदनांना व्यासपीठ देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले। भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्या सूचनेनुसार 14 ऑगस्ट हा विभाजन विभीषिका स्मृती दिन म्हणून साजरा केला जाणार आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रमसुद्धा आयोजित केले जाणार आहेत। अशाच एका रॅलीमध्ये आपण आज 14 ऑगस्ट रोजी भाग घेतलेला आहे। बघूया त्या रॅलीचं स्वरूप कसं होतं आणि ती रॅली कशी संपन्न झाली याचा पूर्ण व्हिडिओ आपण आता बघणार आहोत।
भारत माता के टुकड़े करने का पाप इस कांग्रेस पार्टी ने किया। उस विभाजन के समय जो नया पाकिस्तान बना, वहां से हिंदू, वहां के मुस्लिम जो भारत में आना चाहते थे, इनके लाखों की संख्या में इन कांग्रेस के पाप के कारण कत्ल हुई। उन निर्दोषों को काटा गया, उन बहन बेटियों की इज्जत ली गई, पांच पांच साल की, छह छह साल की, बारह साल की बेटियां मां से छीन ली गई, मां बाप को कत्ल किया गया, बेटी को छीन लिया और उन बेटियों को पाकिस्तान ने, इन नराधमों ने, इन हरामखोरों ने उन बेटियों की, माताओं की इज्जत ली। उन विभाजन विभीषिका कांग्रेस के राज में कभी किसी ने याद नहीं की। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। ये जो नई पीढ़ी है जो 15 अगस्त की आजादी मनाती है, इसे विभाजन की इस विभीषिका का पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है हमारी लाखों माताओं को बेइज्जत किया गया, हमारी लाखों बेटियां उन नराधमों ने छीन ली, हमारे लाखों भाइयों को उस पाकिस्तान के नराधमों ने काटा। भारत का इतिहास इसे कभी नहीं भूल सकता और इसलिए इस विभाजन की विभीषिका को स्मृति दिन करके मनाने का हम संकल्प करते हैं। केवल संकल्प करके रुकेंगे नहीं, पाकिस्तान से लेकर जावा सुमात्रा, अफगानिस्तान से लेकर के वहां ईरान के बॉर्डर तक जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत का भी आज हम संकल्प लेते हैं भारत को सुरक्षा बनवाएंगे। और इसलिए ये विभाजन विभीषिका का स्मृति दिन है। सभी नागरिकों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर जाकर के इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। आपको गूगल पर, यूट्यूब पर इसके पिक्चर मिलेंगे, इसकी छोटी छोटी फिल्म मिलेगी, इसका यहाँ पर प्ले कार्ड पर प्रदर्शन किया गया है। हम भारत के इस विभाजन का और इस कांग्रेस का धिक्कार करते हैं। कांग्रेस के उस पाप को ये देश कभी माफ नहीं करेगा मित्रों, ये देश कभी माफ करेगा। और इसलिए आप विभाजन विभीषिका में उपस्थित सभी कार्यकर्ता, सभी नागरिक, सभी विद्यार्थियों मित्रों का मैं आभार करता हूँ और मैं सभी हमारे नगर सेवक और मंडल पदाधिकारियों का और वार्ड अध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कारण ये विभीषिका यात्रा आज यहाँ पर सफल रही है। आप सभी को कल 15 अगस्त है, हर घर तिरंगा लगेगा, हर घर तिरंगा लगेगा, हर दुकान के बाहर तिरंगा लगेगा, हर ठेले के ऊपर तिरंगा लगेगा, हर फेरी वाला अपने आगे तिरंगा लगाएगा। हम सब घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये कल मनाएंगे। आप सभी को आजादी की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामना। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।